आज सिखों के 10वें और अंतिम धर्म गुरु गोविंद सिंह जी की 354वीं जयंती मनाई जा रही है। इस दिन को प्रकाश पर्व या गुरु पर्व भी कहा जाता है। आज के दिन देश दुनिया में सिख समुदाय के लोग प्रभात फेरी निकालते हैं। गुरुद्वारे में शबद कीर्तन का आयोजन किया जाता है और गुरुबाणी का पाठ किया जाता है। गुरु गोविंद को ज्ञान, सैन्य क्षमता और दूरदृष्टि का सम्मिश्रण माना जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा जीवन लोगों की सेवा और सच्चाई के लिए था। उनके विचार और शिक्षाएं आज भी लोगों के लिए प्रेरणा है। गुरु गोविंद सिंह की ये 10 खास बातें यदि आप अपने जीवन में उतार लेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। चलिए बताते हैं कि ये 10 खास बातें क्या हैं। अपने रिपोर्ट में हम बताने जा रहे हैं 10 खास बातें गुरु गोविंद सिंह की। धर्म दी किरत करनी, अपनी जीविका ईमानदारी पूर्वक कार्य करते हुए चलाएं। 10 वंड देना, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान में दे दी। गुरुवाणी कंठ करनी, गुरुवाणी को कंठस्थ कर ली। कम करण विच दरीदार नहीं करना, कार्य में खूब मेहनत करें और कार्य को लेकर कोताही न बरतें। धन जवानी तय कुल धन, जवानी तय कुल जात दा अभिमान न करना। अपनी जवानी, जाति और कुल धर्म को लेकर घमंडी होने से बच। दुश्मन नाल साम, दाम, भेद आदि उपाय वर्तने अति उपरांत युद्ध करना। दुश्मन से भिड़ने पर पहले साम, दाम, दंड और भेद का सहारा लें और अंत में ही आमने सामने के युद्ध में पड़े। किसी दी निंदा, चुगली, अतः ईर्ष्या न करना। किसी की चुगली, निंदा से बचें और किसी से ईर्ष्या करने के बजाय मेहनत करें। परदेसी, लोरवान, दुखी, अपंग, मानुक दी यथाशक्त सेवा करनी। किसी भी विदेशी नागरिक, दुखी व्यक्ति, विकलांग व जरूरतमंद शख्स की मदद जरूर करें। वचन कर पालना, अपने सारे वेदों पर खरा उतरने की कोशिश करें। शस्त्र विद्या अतः घोड़े दी सवारी दा अभ्यास करना। खुद को सुरक्षित रखने के लिए शारीरिक सौष्ठव, हथियार चलाने और घुड़सवारी प्रैक्टिस जरूर करें। आज के संदर्भ में नियमित व्यायाम जरूर करें। बता दें कि गुरु गोविंद सिंह की जयंती को प्रकाश पर्व या गुरु पर्व भी कहा जाता है। इस दिन सिख समुदाय के लोग प्रभात फेरी निकालते हैं। गुरुद्वारों में शबद कीर्तन का आयोजन किया जाता है और गुरुवाणी का पाठ किया जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी की शिक्षाएं आज भी लोगों के लिए प्रेरणा है। बता दें कि ये जानकारी हमें वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। नेक्स्ट टाइम स्पीच कर सकते।